सोच ये रहा हूँ कि क्यों ना ब्लूटूथ वाली एयर हम सेल करते हैं। यार कमाल बीट है यार, आई लव दिस बीट। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर, की हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में, जिंदगी सेहत आपकी ठीक गुजरी है? न्यू रिम्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस गाड़ी को कंप्लीट करने में आप लोग क्या देखना चाहते हो बताना, वो जो गाड़ी पे अच्छा लगे और सीनियर सिटीजन पे शूट करे, ठीक है? अब आपने मशवरे देने, फिर उसमें से जो हमें बेहतर लगेगा हम फिर वो कर पाएंगे। हाँ, एक चीज जो आप ड्रॉप करनी है ये गाड़ी, ये मुझे पता है, वो उसका इलाज कोई मैं ढूंढ रहा हूँ। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू वांट? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या ही बात है। अच्छा एक सेकंड देना, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं और इसको हम कहाँ पे रखें? गड्डी ना लग जाए तो बाकी है। अपने मुंह से तारीफ करना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन क्या करें, बस इश्क सा हो गया इस गाड़ी से। हाय हाय। अच्छा बॉयज, अभी आपका भाई जो है ना वो निकला हुआ था एक छोटे से काम के लिए, सही है? और हमने बेसिकली आज जाना है मार्केक्स पे, तो हमने मार्केक्स के जाके जो पेंडिंग काम है वो करवाने हैं। अब मैं आपको एक मजे की दिल की बात बताता हूँ, मेरा इस गाड़ी के लिए जो है ना ठरक और प्यार ही अलग है। मार्केक्स से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत मुझे इस गाड़ी से। पुरानी गाड़ियों को मुझे ज्यादा वो फैसिनेट करती है, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, और आई एम इन लव विद दिस कार, ऑनेस्टली आई एम इन लव विद दिस कार। चलो मैं आपसे कुछ देर बाद मिलता हूँ मार्केक्स निकाल के। ओके, ये भी ठीक करवाना है, करवाएंगे आज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर आला, बात कुछ यूँ है कि मैं ये सोच रहा हूँ, एक सेकंड ज़रा ये इसको पहले इधर से ऐसे ऐसे, हाँ ये ठीक है। हज़ूर आला, बात कुछ यूँ है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ब्लूटूथ वाली एयर का फ़ायदा क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। मतलब ये एक्स्ट्रा ही एक खर्चा है, मैं समझता हूँ। सोच ये रहा हूँ कि क्यों ना ब्लूटूथ वाली एयर हम सेल करते हैं। टेंशन की क्या बात है यार, टेंशन ही लेनी, ब्लूटूथ वाली सेल करके ना, ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल हम डाल लेंगे लोकल किट का भी यही काम है। अच्छा मजे की बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हैरान परेशान हो जाओगे, ब्लूटूथ का शशका तो बहुत ज्यादा है, सही है, लेकिन ब्लूटूथ मॉड्यूल आप कभी भी डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते गाड़ी बंद करके। ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल जो है ना चलता ही तब है जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो या स्विच पे हो, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है ना लाइटर सिगरेट के साथ रखा जाता है या फिर किसी ऐसी चीज के साथ जिसके आगे फ्यूज हो, और क्योंकि ब्लूटूथ मॉड्यूल बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे इसका ना लॉजिक नहीं समझ में आता कि आप इतनी एक्सपेंसिव एयर लगवा रहे हो ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ, और आपको गाड़ी बंद करके बाहर खड़ी हो और आप गाड़ी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आपको गाड़ी स्विच ऑन करना पड़ेगा, कितना काटा होता है ये। तो मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मार्केट्स की ब्लूटूथ वाली एयर जो है वो हम सेल कर दें, और उसकी जगह हम ले लें लोकल किट वाली, कुछ पैसे बच जाएंगे, और उन पैसों का क्या होगा? एनीवेज फिलहाल जो है हम जा रहे हैं यार, बल्कि हम पॉप्सन बैंक आपको सुनाते हैं जरा। मैं भी उस दिन ना वापसी पे वासिम साहब ने पटाखा मारा, इसका अच्छा भला लाउड पटाखा था, तो रेजोनेटर के बावजूद ये तो पटाखे मार रही है यार, व्हाट इज दिस? मतलब बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। यार लेकिन ये वो 125 वाला पटाखा हो गया। तो फिलहाल हम जा रहे हैं आफताब भाई के पास। आफताब भाई के पास क्यों जा रहे हैं, ये आफताब भाई के पास पहुंच के ही आपको बताते हैं एक कोई बारी, ठीक है? लगवाने वाली जगह पे लगाओ, मट्टी देखो कितनी है भाई, इधर लगा लेना यार, मट्टी बहुत है यार। आफताब भाई अभी गाड़ी धोके निकला हूं मैं नहीं। तो बॉयज हम लोग पहुंच चुके हैं आफताब भाई के पास। आफताब भाई खुद अपनी जुबानी आप बताएं क्या कर रहे हैं हम आज? ब्लूटूथ लगा रहे हैं भाई। आपको पता है और क्या करना है? और बताएं।
आप बताएं। डब्बा चेंज करना है मेरा ख्याल से। हाँ जी, और क्या करना है? और बस। और चार स्पीकर इसके चारों चेंज करने हैं। अच्छा जी। हाँ जी। कौन सा लगाना? वो पीछे पड़े हैं। ये वाला डब्बा बहुत बड़ा है, सारी जगह देखो, जगह इसने घेर ली है, बाकी एयर ने घेरी हुई है, पीछे जगह रह ही नहीं जाती। इसका बॉक्स हमने चेंज करना है, वो बहुत जरूरी था। लास्ट टाइम अफ्ताब भाई को मैं कह गया था बना के आपने रख देना, तैयार करके रख देना, तो वो हमने जो है ना चेंज करना है। बाकी सेटिंग वैसी ही रहेगी, इसके अंदर नया वूफर आ जाएगा। अच्छा आफ्ताब भाई, मुझे ये बताओ, अब जैसे डब्बा वो पहले बड़ा बड़ा था, उसकी बेस ज़्यादा होती है? ज़्यादा। इसकी बेस अब कम हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन जगह भी तो होनी चाहिए गाड़ी में। इसके हिसाब से बनवा लेते भला। नहीं बनेगी नहीं। हैं? ये सबसे छोटा साइज़ है। सबसे छोटा साइज़ अगर बना तो वो वूफर बिल्कुल मर जाएगा, बोले रहे। एक सेकेंड ना, एयर थोड़ी सी पीछे कर लो जरा। चलो, मतलब मैक्सिमम वहाँ पे हो जाए, लेकिन वो जो है ना काफ़ी जगह है हमारे पास। डब्बा नहीं कस्टम बन सकता कि वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी शेप में बन जाए? शेप कैसे देंगे, लकड़ी है। इससे अच्छा आप इसका मुंह ऐसे ही कर दो, मतलब थोड़ी सी जगह इधर तक ये आ रही है, सीधा कर दो ताकि पड़ा तो सही लगे, मतलब अभी अच्छा ही लग रहा है। ये मच बेटर है। अभी नीचे स्पेयर टायर नहीं ना पड़ा, इसीलिए ये नीचे धसी पड़ी है। स्पेयर टायर रखेंगे तो ये अपने लेवल पे आ जाएगी और फिर ये सही लगेगी। चलो, वूफर वाला काम तो हो गया हमारा, अब रह गया एलसीडी वाला काम। और स्पीकर की कहानी एक नहीं खुली है, वो बताते हैं आप। जरा आप चलाएं सिस्टम। सिस्टम कैसे चलाएं? एलसीडी लगेगी तो चलेगा ना आफ्ताब भाई? क्या हो गया है, बाल सफेद आने लग गए आपके वैसे। हाँ चलो जी, एलसीडी भी आ गई है हमारी, चिप इंस्टॉल हो गई है इसके अंदर। अब बस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवानी है और फिर स्पीकर सुनने हैं। और जिस स्पीकर में हमें फील हुआ कि वो स्पीकर ख़राब है, वो वाला स्पीकर चेंज करेंगे। इस तरह फ़ायदा नहीं है, चारों डोर कार्ड्स खोल के हम चेंज करते हैं, और जो ठीक है वो हम जिन भाई से हमने ली थी नेक्स्टर भाई, उनको वापस कर देंगे स्पीकर्स, क्योंकि ब्रांड न्यू स्पीकर्स हैं ये, किसी के तो काम आएंगे ना। अपने स्पीकर्स ठीक हैं, हमें खामखा क्यों चेंज करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो भाई, ब्लूटूथ भी इंस्टॉल हो गया। ओ देखो निश्ता शेर, एसी फिर चला गया, ये क्या हरकत है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके, सॉरी माय मिस्टेक, स्विच नहीं लगा हुआ था। शुक्र है, अब ये चला के देखो, ये देखो, व्हाट इज दिस। तो बॉयज, एक वायर का रोला था, वो ऊपर नीचे हो गई थी, वो अब सेट करेंगे तो प्रॉबेबली इंशाल्लाह अब चल जाएगी। लो जी, ट्विटर जो निकाला है वो ख़राब था। एक सेकेंड गाइस, ये हालत है, ट्विटर। तो भाई लोग, उस साइड का ट्विटर चेंज हो चुका है, ख़राब था, चल नहीं रहा था सही, और अब इस साइड का चेंज करना है। देखो ना बेटा, अगर कुआ पड़ा इनका। यार इस तरह की जो प्रोग्रेसिव बीट होती है ना, आपके भाई को बेतहाशा पसंद है। GoPro से बड़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, फुल मज़े करवा रहा है भाई सिस्टम, अब मज़ा आएगा। और जो चिप है ना, वो भी कोई फैंसी वाली लगवाई है, फैंसी मैं कह रहा हूँ नई वाली लगवाई है, पहले वाली कुछ नहीं। इसके ये कनेक्शन है चार, दो इसके हैं, दो इसके हैं, जब इकट्ठा जैक लगता है तो फिर ये भी चल जाता है, ये भी। ओह यार, अच्छा यार, कमाल बीट है यार, आई लव दिस बीट। इसे पहले आप लोग मुझसे नाम पूछो तो ये नाम है इस बीट का। तो भाई साहब, मोस्ट अवेटेड काम जो मैंने बड़े दिनों से सोचा था करने का और प्रोकास्टिनेट हो ही जा रहा था, ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गो हियर, हियर यू गो ब्रोस। अब कितनी देर में कर दोगे? दो घंटे तो लगे जाएंगे। दो घंटे? ये केबल डालने में अभी आपका पता चला कि कितने गाड़ी खोलती है, सीट खोलनी है पिछले वाली अगले वाले तक। नहीं, बोनट की है। बोनट की केबल है ये वाली? नहीं नहीं यार, उस्ताद नवीद क्या कर रहे हो? मैंने कहा दो घंटे। खैर जी यार, हम कार्य के रेस्टोर से पहुंच चुके हैं। उस्ताद नवीद को हमने काम मेजर जो है ना समझा दिए हैं। एक ये बम्पर है हमारा, बम्पर शरीक जो है ना बार बार बाहर आ जाता है, इसको सेट करवाना है। दूसरा बोनट की केबल है, तीसरा इसके चैनल्स कमजोर है, इसका हल क्या है उस्ताद नवीद? यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम है मार्केट्स का, यहाँ से जो है ना ये कम्प्लीट करवा लें इसको। माशाल्लाह कलर की ट्रांजिशन चेक करो जरा, ये देखो जरा, क्या सालिम रंग है उस्ताद, ये है। What is this यार, What is this man, माशाल्लाह। इसको यहाँ से सेट करवा के जो है ना फिर यहाँ से निकलेंगे। मौसम आज माशाल्लाह वैसे लाहौर का बड़ा पप्पू हुआ है, कल रात हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो मेरा ख्याल है ये जो बीमारियाँ फैली हुई थी ना वो भी अब सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी फ्लू श्लू जो था ना वो आम हुआ हुआ था। आपका भाई इज डूइंग एडिटिंग, सी यू। ओ जी, कर दिए जी क्लियर, खोलो तो सही बोनट, चेक तो करें, बोनट भी क्लियर, हमारा बम्पर भी क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। यार बल्कि एक और काम ना उस्ताद नवीद साहब, गाड़ी में नीचे करता हूँ उस हिसाब से सेटिंग करो। आ हा हा हा।
क्या बात है, एक सेकंड हम बंद करके भी देखेंगे। यार गुड गुड, अब इसका क्या करना है, मैं गाड़ी फुल नीचे करता हूँ, जरा चेक करना कहाँ पे लगता है ये साथ, क्योंकि जब मैं नीचे करता हूँ ना फिर बम्पर बाहर आ जाता है, मसला ये है। लगना शुरू हो गया, ये फेंडर भी लग रहा है, और ये वो फेंडर की हेयर है, बम्पर नहीं लगना चाहिए, बम्पर फाइबर के ना वो तंग करता है। तो जनाब गाड़ी हमारी हो गई है ऑल ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर एक दो इश्यूज़ हैं, एक ये पेंट वाला इशू है, ये हमने ठीक करवाना है, उसके अलावा रिम वाला इशू है, ये दो मसले हैं। स्पॉयलर्स लगाऊं ना लगाऊं आई एम कंफ्यूज्ड, क्योंकि मुझे ऐसी ना क्लीन लुक, बहुत क्रिस्पी क्लीन लुक बहुत प्यारी लग रही है, शायद रूफ स्पॉयलर लगा रहे हैं उससे एक ग्रेस निकल आती है, स्पॉयलर ऐसे लगा ही लेंगे क्योंकि अच्छा लगता है लगा हुआ, बुरा भी नहीं लगता, तो वो अब डिसाइड करने को है। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, सही है, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, ठीक है, आप तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में भाई को याद रखिएगा, और साउंड सिस्टम बड़ा मजाक करा रहा है ऑनेस्टली, ठीक है, तो सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, मैं ज़रा नॉन पीडीए की लड़ रही हूँ तो ज़रा दूसरा फ़ोन पकड़ लिया हमने, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यार इसके कलर की ना एक डिटेल वीडियो बनती है, ये कलर कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर है यार, खूबसूरत। ओके बाय बाय।